फ्रेंड्स आज देखते हैं मैग्नेसा में अपनी आईडी कैसे क्रेडिट करते हैं तो पहले आपको गूगल में जाना है और मैग्नेसा का वेबसाइट मारना है जैसा मैग्नेसा डब्लू डब्लू डॉट मैग्नेसा डॉट कॉम इसको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करते आपको पेज ओपन हो जाता यहाँ पर सिंबल को कट करना है सबसे पहले आपको लॉगिन में जाना है यहाँ पर सब कुछ दिखेगा लेकिन सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं आप सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन में जाना है जैसे ही आप लॉगिन को क्लिक करते हैं मोबाइल में बता रहा हूँ मैं मोबाइल से किस तरह लॉगिन करते हैं जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं लॉगिन को तो आपको आई मांगता है और पासवर्ड मांगता है आप आपका आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालना है डालने के बाद इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड जिस तरह यहाँ पर दिखेगा आपका नाम वगैरह सब यहाँ पर आपको पीवी नज़र आएगा यहाँ पे एसवी नज़र आएगा एसवी में क्या है कितना है कितना हो गया क्या हो गया सारा यहाँ पे नज़र आएगा इसके साथ में आपको अभी ये होने के बाद आप ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं यहाँ पर आपको ये जो तीन बिंदी दिख रही है इसको क्लिक करना है ओके जैसे ही इसको क्लिक करते यहाँ पर डैशबोर्ड डैशबोर्ड में आ जाते आप लैपटॉप की तरह डैशबोर्ड हो जाता है ये और यहाँ पर आपको सारे चीज़ें नज़र आएगी आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना पड़ेगा जीनोलॉजी में जैसे ही आप जिनोलॉजी में जाते हैं तो आपका स्ट्रक्चर नज़र आता है आपका स्ट्रक्चर नज़र आता है अब आपको किसी की जॉइनिंग लगाना है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाया है या तो आपको लेफ्ट लगाएंगे या तो आप राइट right लगाएंगे तो आपको सबसे नीचे जाना है तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये एरो एरो राइट साइड का एरो राइट साइड में सबसे नीचे लेकर जाएगा क्लिक करते हैं और ये जो लेफ़्ट साइड का एरो है वो लेफ़्ट साइड में आपको लेकर जाएगा सबसे नीचे में या आप ये एड दिख रहा है इस पर ऐड पे भी क्लिक कर सकते हैं और इस इनका इस्पॉन्सर देना है तो यहाँ लगा सकते हैं ओके तो आपको फॉर एग्जांपल आपको आपके राइट right में डालना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ राइट राइट एरो को क्लिक किया और यह सबसे नीचे में राइट right एरो में मेरे सबसे नीचे में आ चुका अब आपको करना क्या है ये ऐड दिख रहा है ये ऐड को क्लिक करना है जैसे ही आप ऐड को क्लिक करते आपको फॉर्म ओपन हो जाता जैसे ही आपका फॉर्म ओपन होता है यहाँ पर आपको दो से तीन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है सबसे पहले यहाँ पर ये दिख रहा है प्लेसमेंट आईडी इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि ये जहाँ पर आपकी आईडी लग रही है उसके ऊपर की जो प्लेसमेंट आईडी रहती है वो आईडी का नंबर है ओके नेक्स्ट आपको ये देखना है कि इस्पॉन्सर आई आप, आप आपका इस्पॉन्सर लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप ही का स्पॉन्सर रहने दीजिए या नहीं आप, आपके डाउन का इस्पॉन्सर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको इस्पॉन्सर आईडी चेंज करना पड़ेगा राइट right? आपके डाउन में किसी बंदे का स्पॉन्सर लगाना है तो आपको इस्पॉन्सर आईडी चेंज करना पड़ेगा और सेलेक्ट टू राइट और लेफ्ट मैंने राइट right सेलेक्ट किया ओके नेक्स्ट प्रोसीजर वही है यहाँ पर उनका फर्स्ट नेम एक्स वाई जेड जो भी है उनका लास्ट नेम एक्स वाई जो भी है यहाँ पर प्लॉट नंबर पूछ रहा है आ, उनका डिस्प्ले नंबर नाम पूछ रहा है जो आईडी के ऊपर डिस्प्ले नेम रहता ना वो जैसा जो डिस्प्ले रखना है आप रख सकते जो आईडी पे नज़र आएगा ओके इसके बाद यहाँ पर इंटर डोर नंबर ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क है जहाँ जहाँ पर स्टार मार्क है वो मार्क को क्लिक करना चाहिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ सिक्सटी डोर नंबर सिक्सटी स्टेट मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर है ये डालना चाहिए लैंडमार्क जहाँ पर रहते हैं आप जो एरिया नंबर मेल आईडी है तो मेल आईडी डाल दीजिए सिटी आपका जो सिटी है वो सिटी क्रेडिट कर दीजिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ये ज़रूरी है क्योंकि डेट ऑफ़ बर्थ मांगता है डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए इसके बाद पैन नंबर है तो पैन नंबर डाल दीजिए स्टेट जो स्टेट है आपका स्टेट को सिलेक्ट कीजिए इसके बाद में इंडिया कंट्री पिन कोड बहुत ज़रूरी है जो वहाँ का पिन कोड ज़रूरी है जहाँ का आप आईडी लगा रहे इसके बाद यहाँ पर मेन आता है नॉमिनी अगर से नॉमिनी है तो आप नॉमिनी डाल सकते हैं नहीं है तो भी कोई बात नहीं पासवर्ड मस्ट इम्पॉर्टेंट पासवर्ड है पासवर्ड में इस तरह दिया गया है कि आपको आठ से ऊपर डिजिट मारना है आठ से ऊपर पंद्रह तक आप डिजिट मार सकते तो सबसे पहले आप क्या कीजिए पासवर्ड में उनके नाम का जैसा मेरा नाम है समीर तो मैं बड़ा यस मारूंगा बिग बड़ा यस या बड़ा एम या कैपिटल एट में जेड वाई एक्स जो भी है पहला वर्ड जो है सो एट में होना चाहिए अदरवाइज जिस तरह दो तीन वर्ड्स वर्ड्स होना चाहिए छोटे ए पहला बड़ा भी रहा जैसा यस फिर बाद में ए एम एक एक होना चाहिए ऐट द रेट इसमें एक ऐट द रेट होना चाहिए एक पहला वर्ड बड़ा एम जेड जो भी है फिर छोटे जो बाकी के एक दो छोटे और एक ऐट द रेट चाहिए उसमें फिर उसके बाद चाहे तो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जो डालना है वो डाल सकते राइट right? क्लियर पहला वर्ड बड़ा चाहिए एम डालो बी डालो जी डालो या एम ए जी मैग डालो मैग एट द रेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जो डालना है आप डाल सकते सेम एज इज़ यहाँ पर भी वही तरह से पासवर्ड डालिए पहले पहले बिग में डालिए जैसे मैं डाल रहा हूँ यम ए जी मैक एट द रेट सेम उधर जो डाले वही डालना है और बाक़ी का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आपको जो डालना है सेम पासवर्ड रहना चाहिए उसके बाद एंडॉलमेंट पे आते हैं तो इस जगह पे इंडॉलमेंट कीजिए और यहाँ पर कैंसल अप्लीकेट यहाँ पे इसको ओके कीजिए तो कुछ डिफरेंस रहा तो वो बता देगा कुछ चेंज रहा तो बोल देगा नहीं तो वो लॉग इन हो जाएगा राइट यहाँ पर रजिस्टर कीजिए यहाँ पर डू नाट मैच पासवर्ड तो ये फॉर्म रजिस्टर नहीं होगा अदरवाइज सेम सेम डालते हैं तो ये फॉर्म रजिस्टर हो जाता ओके okay? राइट right. अगर से आपको किसी को भी आ, कोई दिक्कत आ रही है जॉइनिंग करने में या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप आपके सीनियर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए या तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा नंबर है नाइन डबल फाइव डबल टू डबल फाइव एट फाइव सेवन मोहम्मद समीर यौतमल आपको जिन्होंने ये भेजा है आप उनसे कांटेक्ट कीजिए आप उनसे कांटेक्ट कर करके उनसे डिटेल ले ले लीजिए कैसे फॉर्म रजिस्टर हो होता है अगर से आपको दिक्कत आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं आप थैंक यू वेलकम मैगनेसा